आज आपको एक और ऐसी घटना बताते हैं जिसको देख आप चौंक जाएंगे। ये कहानी राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर की है। एक अजीब घटना ने लोगों को चौंका दिया है। शाम के समय का वक्त था, पुलिस के पास एक कॉल आता है। उस कॉल में पता लगता है कि एक 17 साल के बच्चे को डरा धमका कर 75 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने अपने बच्चे के हाथ पैर बांधे और उसके बाद पैसे लेकर फरार हो गए। घर वाले पूरे परेशान कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, तरह तरह के सवाल उठने लगे। माता पिता को बच्चे की टेंशन और दूसरी तरफ इतने सारे पैसे घर से गायब। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सब एक बार सोच में पड़ गए, आखिर इस तरह की हरकत कैसे हो सकती है। आखिर क्यों रची इतनी बड़ी साजिश? बेटे ने ही लूटे 75 लाख रुपए। बेटा और भांजा इस साजिश में शामिल। यह कहानी शुरू होती है जयपुर के विधायकपुरी इलाके में स्थित गोपाल टावर अपार्टमेंट की, जहां जयपुर के एक बिजनेसमैन संतोष पूनिया के 17 साल के बेटे और भांजे ने मिलकर एक साजिश रची। जी हां, इस साजिश में एक और शख्स बच्चे के साथ था। मंगलवार शाम को व्यापारी के फ्लैट पर उनके 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बेटा ही मौजूद था। नाबालिग ने ममेरे भाई के साथ मिलकर जो साजिश रची उसके तहत शाम करीब 5 बजे लूट के मकसद से 3 बदमाश फ्लैट पर पहुंचे और बैल बजाई थी। इस पर गेट खोला, गेट खोलते ही तीनों बदमाश हथियार दिखाकर अंदर घुस गए और गोले मारने की धमकी देकर रुपए के बारे में पूछा। इसके बाद बदमाशों ने अलमारी और तिजोरी में रखे 75 लाख रुपए एक बैग में रख लिए थे। बदमाशों ने बालकनी से बैग को नीचे फेंक दिया और सीढ़ियों से दौड़कर नीचे उतर गए थे। कुछ दूरी पर खड़ी अल्टो कार में तीनों बदमाश रुपयों से भरा बैग डालकर फरार हो गए थे। शराब कारोबारी के बेटे ने पुलिस कंट्रोल रूम में लूट की सूचना दी थी। इसके बाद सीसीटीवी में युवक कैब से आता हुआ नजर आया। पुलिस ने टावर में सीढ़ियां और लिफ्ट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो एक युवक कार से शाम 5 बजे बैग लटकाकर आता हुआ दिखाई दिया और लिफ्ट से ट्रॉली बैग लेकर आराम से चला था। इस पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने फ्लैट मालिक के नाबालिग बेटे से पूछताछ की। इसके बाद पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। बच्चे ने बताया कि कारोबारी के साले का लड़का यानी के प्रिंस उम्र 21 साल ही रुपए से भरी ट्रॉली बैग लेकर आया था। प्रिंस गंगानगर का रहने वाला है और निर्माण नगर में एक फ्लैट में रहता है। उसने अपने मामा संतोष पूनिया को शाम 4:30 बजे कॉल कर कहा कि वह दोस्तों के साथ श्रीनगर घूमने जा रहा है, इसके लिए ट्रॉली बैग की जरूरत है। तब संतोष पूनिया ने फ्लैट से ट्रॉली बैग लेकर आने के लिए कह दिया। प्रिंस कैब से 5 बजे फ्लैट पर पहुंच गया, लिफ्ट से चौथी मंजिल पर पहुंचा, जिसके बाद लिफ्ट से ही ट्रॉली बैग लेकर वापस चला गया। नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि लूट की कहानी मनगढ़ंत थी। दोनों लड़के लग्जरी लाइफ का आनंद लेते थे और कथित तौर पर ऑनलाइन जुआ खेलते थे, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। उन्होंने खुद को बंधक बनाकर अपने ही फ्लैट में एंट्री की और 75 लाख रुपए की लूट। इसके बाद बालकनी से बैग को नीचे फेंक कर फरार हो गए। बदमाशों की हरकतों को सीसीटीवी कैमरे ने पकड़ लिया था और फ्लैट मालिक के बेटे की असलियत सबके सामने आ गई। पुलिस ने मात्र 6 घंटे में ही इसका खुलासा कर दिया। बिजनेसमैन के 17 साल के बेटे और भांजे ने मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने भांजे के फ्लैट से 75 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। उसके साथ ही 5 लाख रुपए भी अलग से बरामद किए हैं। दोनों को ऑनलाइन जुआ खेलने की लत थी और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि परिवार ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी हैरान हो गई है। यह घटना न सिर्फ लूट की कहानी है बल्कि एक सोची समझी साजिश भी, जिसमें ज्यादा पैसों के लालच में दोनों युवकों को गलत राह पर लाकर खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में परिवार की भी गलती मानी जा रही है। आज के समय में जिस तरह का समय चल रहा है, ऐसे में बच्चों पर भी माता पिता का ध्यान होना बहुत जरूरी है। आखिर यह सब तो पता होना चाहिए कि किस तरह की संगत में आपके बच्चे रह रहे हैं या उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि इस उम्र में ही नाबालिग बच्चे ही अक्सर क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं। इस उम्र में बच्चों को नहीं पता होता क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आए दिन आती है, लेकिन इनको रोकने के लिए शुरुआत अपने घर से ही करनी होती है।
फिलहाल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।